क्या हुआ, क्या पता लगा था? पता ये गुआड़े से आ रहा था जी, मेरे को मिलने लिए भाई, मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा, बलबीर का बड़ा भाई हूँ। अच्छा। तो ये मेरे को सवेरे पता चला, अब आपके जो मेरा लड़का इधर से गुजर रहा था, ये नंबर प्लेट पड़ी नीचे जो उखड़ी हुई पड़ी हुई थी, इसने पढ़कर बताया अगर भाई जो अंदर जरा फोन करा तो आपका जो रिश्ते एक्सपायर हो गया, मतलब गाड़ी के अंदर खत्म हो गया। तो ये क्या करते थे? रोटरी कलर था जी इनका, सिविल हॉस्पिटल था जी, सिविल हॉस्पिटल वो था जी, इनका वो था जी अपना जैसे बच्चों अनाथ बच्चों और खाना खिलाना और खुद की संस्था का। तो ये रहते कहाँ थे? गोवाना जी। यहाँ मिलने आ गए थे? मिलने आ गए। आपका क्या नाम है? सुरेश है जी मेरा। ये जी रात को सुबह चौकीदार को पता लग गया सर। अच्छा। हाँ, तो कोई छपरे के थे दो तीन, वो जा रहे थे यहाँ से, उन्होंने चौकीदार को बोला कि यार वहाँ कार में आग लग रही है। तो रात को चौकीदार आया, चौकीदार ने 3-4 बजे जब तक जल चुका था पूरा। तो हाँ, ये 9:30-10 बजे मारा राम का गया, जब तक कोई यहाँ ऐसा था नहीं, गाड़ी वगैरह थी, ये 10:30 बजे के बाद ये होया है। तो कौन है, कहाँ का? ये गांव का ही है, ये यहाँ से इसे पता लग गया है प्लेट से, नंबर से। इसका सुबह इसका भतीजा जा रहा था यहाँ से, उन्हें प्लेट नंबर वगैरह देखा, जब उन्हें फोन फान कराया, जब पता लगा कि क्या नाम है इसका। इसका है बलबीर। उम्र कितनी होगी? उम्र इसकी करीबन 46-47 साल के करीब। क्या काम करते थे? ये होटल वगैरह कर रहा था रोहतक में। आ रहा था वहाँ से? हाँ, वहाँ से आ रहा था, गाँव जा रहा था। हाँ, गाँव में जा रहा था। इसकी अपनी गाड़ी है? अपनी गाड़ी है जी, ये रहता गुआना है। सीएनजी लग रही गाड़ी में? हाँ, सीएनजी। मौके पे हो गए? अकेला था क्या? और अकेला था जी, अकेला था, साथ में कोई नहीं था, अकेला था जी। आपका क्या नाम है? जगदीश। गांव के? हाँ, गांव के। कौन से? पंड जी, कल्पा। कल्पा? हाँ, कल्पा से। ये कल्पा गांव का? हाँ, कल्पा का। दारू तगा रहा था, उसकी कक्की की फोन आना थी बार बार में, तो वो कक्का वहाँ गुआना से यहाँ गाँव में आया हुआ है, तो उसने गाड़ी देखी है, वो गाड़ी ये पड़ी लगी, तो उसने फिर नंबर प्लेट चेक करी, नंबर प्लेट चेक करने से पता चला कि भाई वो कक्का ही उसका। तो फिर अंदर भी उसके देखा था, ये बड बॉडी मिली हुई उसकी, हड्डी हड्डी भरी थी, तो इससे पता चला उसका। तो ये क्या क्या करते थे? ये रोहतक होटल डाइन था, सिविल हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पर अपना होटल कर रहे थे। यहाँ गाँव में एक भाई रहता था इसका, वहाँ उससे मिलने के लिए कभी गाँव में आते थे, शादी ब्याह शादी में भी आते थे। अच्छा। हाँ, रिहर्स करवाना थी इसके। दो बच्चे हैं इसके। क्या इस टाइम की कुछ घटना क्या बताया? ये रात की बता रहे हैं जी, इसको 10:30-11 बजे के आसपास में इसको डाल घटी हुई है, उसके बाद भी देखा भी है चौकीदार ने आगे यहाँ पे गाड़ी पूरी प्रबल रही थी, तो फिर बल्कि गाड़ी मतलब बचाया भी नहीं जा सकता कोई भी, और ये भी नहीं पता था कोई अंदर आदमी है या नहीं। कुछ पता लगा हादसे का कारण क्या रहा? नहीं, हादसे का कोई पता नहीं चला कारण का, कोई नहीं कारण का कोई पता। सीएनजी लग रही गाड़ी? सीएनजी लगी हुई गाड़ी में। सीएनजी भी हो सकती है? सीएनजी का है मेन कारण, तो इतनी गाड़ी फूटी है तो सीएनजी के कारण ही जलती है इतनी गाड़ी, तो वैसे जलती नहीं इतनी। आपका क्या नाम है? दीपक सिंह। सर सुबह पता चला था 9:30 बजे करीब गाँव कथोरा से कल्पा रोड पर एक गाड़ी है वैगनार जली हालत में, उसके अंदर डेड बॉडी है, वो जली हालत में है। तो मैं मौके पर पहुंचा हूँ तो देखा वो गाड़ी वैगनार खड़ी हुई है, उसके अंदर एक डेड बॉडी है जली हालत में, और सेंटर लॉक थी, तो इसके अंदर सीएनजी किट लगी हुई है। तो परिवार वालों को यहाँ मौके पे मौजूद थे, उन्होंने बयान लिए हैं जी, दरखास्त दी है, उन्होंने बताया कि भाई जो सीएनजी जो लगी हुई थी इसमें लीक होने के कारण, शॉर्ट सर्किट होने के कारण गाड़ी में आग लगी, और जिसके अंदर ये उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, कौन था मरने वाला, क्या करते थे? इसका नाम बलबीर था जी, और पिताजी का नाम था फूल सिंह, ये कल्पा के रहने वाला था, और देवीलाल नगर गोहाना में ही अपने परिवार के साथ रहता था, और रोहतक में सिविल अस्पताल के सामने रोटरी क्लब चलाता था ये। तो यहाँ कैसे आ रहे थे? यहाँ इनकी माता जी रहती हैं, तो ये 3-4 दिन में मिलने के लिए आता जाता रहता था।
तो ये कल शाम को भी करीब घर से 9 बजे करीब 9:30 बजे करीब निकला है, तो रास्ते में आते वक्त ही इनके साथ ही हादसा हो गया। जी रात को निकले थे ये करीब 9:30 बजे के आसपास गोहाना से, यहाँ गांव में आए थे मिलने के लिए मुझे। तो फिर गांव में मेरे फोन में रेंज नहीं थी, तो फिर फोन मिलने नहीं पाया चाची का। तो फिर सवेरे देखा कि मिस कॉल वगैरह आई हुई है, तो फिर फोन किया, चाची बोली कि तेरे पास है या फिर कहाँ पे है। मैंने बोला कि मैं मेरे पास नहीं है। वो बोली कि क्यों झूठ बोल रहा है कि तेरे पास ही है, बात करवा दे। फिर मैंने कहा बात भी अपने मिसेज से बात करवाई, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं है। फिर मेरा था रुत पे जाने का काम, थोड़ा कुछ काम था मेरा वहाँ पे। तो फिर जाते समय बाइक पे यूं पे देख दी मैंने, मेरी वैगनर गाड़ी में चाचा ये है। फिर नंबर प्लेट साइड में गिरी हुई थी, नंबर प्लेट साफ करके चाची से नंबर कंफर्म किया कि मैं ये नंबर है। तो फिर उन्होंने कहा कि यही नंबर है मैं, तो फिर जल्दी आ जाओ, ये बात होगी। तो क्या 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 कारण मानते हैं आग लगने का? क्या लोकला कोई गाड़ी सीएनजी की थी? कैसे सीएनजी की थी? ये लोग वगैरह होगी, शीशे तोड़ने की कोशिश की, तो उसके लिए शीशे वगैरह टूटे नहीं, तो अंदर ही ब्लास्ट होगी। क्या करते थे ये? अभी बताया संस्था चलाते थे। अच्छा, संस्था चलाते थे जी। तो और भी कुछ करते थे क्या साथ में? साथ में जैसे फाइनेंस वगैरह का भी काम था। बहुत तक में रहते? नहीं, वो आना रहते थे, काम बहुत तक करते थे। हाँ, काम बहुत तक करते थे। आपका क्या नाम है? विक्की जी। भाई हो? नहीं, भतीजा। ठीक, मुझसे मिलने आए हुए थे।